अस्सलाम वालेकुम। हमारी लास्ट वीडियो थी सोशल मीडिया मैनेजमेंट की, कि हमने सोशल मीडिया को मैनेज करते हुए किस तरह से मार्केट करना है। नाउ टुडे आवर वीडियो इज़ बेस्ड ऑन ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन का स्किल बहुत अच्छा स्किल है। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी लैंग्वेज चाहिए, ठीक है? आपकी जो भी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, उर्दू है, अरबिक है, एनी थिंग, वट यू नीड इज़ योर लैंग्वेज, दैट्स इट। आपने अपनी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए ट्रांसलेशंस करके देनी है, ठीक है ना? यू नो के कुछ गेम्स होती हैं, कुछ आर्टिकल्स होते हैं, कुछ ब्लॉग्स होते हैं जो कि मल्टी लैंगुअल होते हैं, राइट? मल्टी लैंगुअल मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में होते हैं, ठीक है ना? तो उसको करने के लिए लोग ट्रांसलेटर्स हायर करते हैं जो कि ट्रांसलेशन करके देते हैं, ठीक है ना? एंड यू कैन बी द नेक्स्ट ट्रांसलेटर। उसको करने के लिए जो सा है, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफर किए जा रहे हैं, जैसा कि है एक translate.com एंड अदर इज़ unbabel.com, ऑलराइट? तो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं, और इस तरह के और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये टॉप हैं, ठीक है? और इसके अलावा अगर आप और बेहतर चाहते हैं, देन गो टू फ्रीलांसर, अपवर्क एंड फाइवर, ठीक है? और लोग बहुत अच्छी अच्छी इससे इनकम कर रहे हैं, जैसा कि अक्सर लोग $1 पर वर्ड चार्ज कर रहे हैं, ठीक है? यानी एक लफ्ज की ट्रांसलेशन का दे आर पेइंग $1, राइट? तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इससे। ये बात हम नहीं सोचते कि हमारे डेली लाइफ में इतने छोटे छोटे स्किल्स होते हैं जिनसे हम बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, और हम लोग घर में बैठे रो रहे होते हैं या कुछ छोटे मोटे काम कर रहे होते हैं, और हमें समझ नहीं आ रही होती है लाइफ में कि एक्चुअली में हमें करना क्या चाहिए। लेकिन इस तरह के छोटे छोटे स्किल्स होते हैं, डेली लाइफ को ऑब्जर्व करके सीखना चाहिए उन स्किल्स को, और उनको इस्तेमाल बनाना चाहिए, ठीक है? अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया है तो उसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से होना चाहिए, सही है? एंड बस आज की वीडियो छोटी सी थी, इतनी सी ही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे कॉन्टेंट के साथ आएँगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी फाइवर सीरीज़ भी ज़रूर देखिएगा। मैं अगेन इस पूरे टॉपिक को रिपीट कर देती हूँ, वो ये है कि कुछ हमारे जो ट्रांसलेटर्स हैं वो हम गूगल ट्रांसलेशन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसको ट्रांसलेशन करें, ठीक है ना? रेदर देन आप डायरेक्ट चाइनीज़ में चले जाएँ, आपको आती उर्दू है एंड यू आर गोइंग टू द चाइनीज़, तो बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, ठीक है ना? तो जो भी आपकी लैंग्वेज है आप बस उस पर फोकस करें, और उसी में बहुत काम होगा, ठीक है ना? जैसा कि मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि बहुत सी गेम्स होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, और बहुत कुछ होता है जिनको ये ट्रांसलेशंस चाहिए होती हैं, ठीक है ना? तो आप उनको ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से ऑफर कर सकते हैं जो कि आपकी लैंग्वेज है, क्योंकि उनको गूगल ट्रांसलेट एग्जैक्टली नहीं चाहिए होती है। उनको दे से कि एवरी ट्रांसलेशन नीड्स अ ह्यूमन टच। सो इट्स लाइक के अगर आप खाली ये सोच रहे हैं कि मैं गूगल ट्रांसलेट करके चाइनीज़ या स्पेनिश दे देता हूँ, सो इट्स नॉट लाइक दिस, ठीक है ना? तो आपको ये करना है कि अपनी लैंग्वेज को और इम्प्रूव करना है, ठीक है? और गूगल ट्रांसलेट का भी सहारा लें, लेकिन अपनी लैंग्वेज का जो आपके स्किल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए लें, ठीक है? और ये बहुत अच्छा अर्निंग का वे है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चाहिए होता है, और ये दिन ब दिन बहुत ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है? लोग $1 पर वर्ड चार्ज कर रहे हैं, और आप और भी चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।